अब चोजो तो मिल गया था, उसका भाई नहीं मिल रहा था बड़े टाइम से। भाई फैंटा का कलर देख रहे हो, ये फैंटा यहाँ की, यहाँ के भाई अपना लेज 20 रुपए का लिखा भाई, रेट तक लिखा है इसमें 20 रुपए का। क्या लगा, नहीं तो जैसे सामान आएगा वैसे निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड वेलकम बैक टू एस वॉक्स। आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी में, मुझे थोड़ा काम है, मतलब लाइक मेरी मीटिंग है अभी थोड़ी देर में ही, 11:30 बजे मेरी मीटिंग है, अभी 11 बज चुके हैं। यूनिवर्सिटी थोड़ी पास है तो मैं लास्ट मोमेंट में निकलता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ती ऐसे जल्दी जाने की, ठीक है। तो आज मेरा मेन व्लॉग जो रहेगा वो उसका टॉपिक है कि मैं जाऊँगा इंडियन ग्रॉसरी स्टोर को एक्सप्लोर करना है, और मेरे को आपको बताना है कि एग्जैक्ट कितने कितने पाउंड में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में। तो बने रहेगा व्लॉग के साथ, मैं जल्दी से अपना मीटिंग खत्म करता हूँ, देन मैं आपसे वापस मिलता हूँ। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय। तो अब मैं आ गया मायंग भैया के पास, मेरी मीटिंग हो गई हुई है। एक्चुअली वो मतलब काइंड ऑफ मीटिंग ही थी, मेरे को मेरा आईडी कार्ड मिलना था तो मैं आईडी कार्ड ले आया अपना। तो अब चलते हैं ग्रॉसरी स्टोर, आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में ग्रॉसरी स्टोर, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में क्या क्या सामान मिल जाता है और कितने तक का मिलता है। अभी भैया रेडी तक नहीं हुए हैं, मेरे को बोलते हैं मैं सुबह 9 बजे चला जाऊँगा ग्रॉसरी करने के लिए, 12 बजने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। क्या आप तो 9 बजे जाने वाले थे ग्रॉसरी स्टोर के। अबे तेरे चक्कर में नहीं गए, आराम से उठे हैं हम लोग, जान बूझ के चल, वो लेट आएगा तो आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे। हेलो, कितनी मस्त है यार मैट फिनिश। पूरा अभी व्लॉगिंग बंद कर दे अपनी, उड़ता हुआ जाएगा। नहीं उड़ता, ये सामने आ गया फैल्कन। अब हम फाइनली फैल्कन पहुंच गए, करते हैं यहाँ पे शॉपिंग, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बाहर से कैसे। यहाँ आ गया हमारा फैल्कन, यहाँ का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाता है, बर्तन वगैरह, यूटेंसिल सब यहाँ पे मिलता है, लहंगा चोली भी है। लहंगा चोली और यहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है सारा का सारा, सब फुल सिम। इसको भी खोल लो भाई, चलो यहाँ से भाई इसकी शुरुआत है, देख लो। 1 पाउंड की 4 मैगी है, ये है 1 पाउंड की 5 मैगी, ये डाइट कोक है 2 for 1 pound, ठीक है। ये 4 है, ये मेरे को भी नहीं पता क्या ये, मैंने खुद को भी इंडिया में नहीं पी। भाई फैंटा का कलर देख रहे हो, ये फैंटा यहाँ की, ये यहाँ की कोक। 2 pound के गोलगप्पे, 40 pieces लिखा है इसमें ऐसे तो, ठीक है भाई। पापड़ पुपड़ सब है यहाँ पे, तो पतंजलि नूडल्स 1 pound के 5 है। ये मेथी रोटी भाई, रोटी 15 pieces है, 4 pound 20 pence के, और ये क्रिस्पी मेथी है 15, ठीक है, ये भी सेम रेट है इसका। चिली पेपरिका जो भी है, ये है 99 pence का। ये पेपर बोर्ड जो हम पीते हैं, ये कितने का, ये मैं बहुत पिया है, 3 for 1 pound, ठीक है, मतलब 3 पेपर बोर्ड 1 pound की है, ठीक है भाई साहब। मतलब अच्छा, मतलब 6 लेनी पड़ेगी, ये मतलब ऑलमोस्ट 2.5 pound की है, ये देख लो भाई, ये तो बहुत खाई है भाई, बहुत ज़्यादा खाई है ये, 1 pound 20 pence का ये, मैंने देखी नहीं पहले से पहले कभी। ये 3 pound की है, ठीक है, अच्छा 2 है 5 pound, 5.5 pound की 2 है, रोंगी बोलते हैं हम तो इसको अपनी लैंग्वेज में, बट ये 2 है 6 pound की, ठीक है। यहाँ पर भाई लेज तो मिले नहीं मेरे को, अगर लेज मिलते मैं दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, मसूर की दाल है यहाँ पर, 5 pound की 2 है, ठीक है, और ये तो सेम ही होगी। यहाँ के भाई अपना लेज 20 रुपए का लिखा, भाई रेट तक लिखा है इसमें 20 रुपए का, बट ये लेज क्लासिक सॉल्ट है, 3 packet है 1.5 pound के, मतलब ये 3 packet, जबकि मतलब 60 रुपए का ये इंडिया में मिलते, यहाँ पे मिलते 1.5 pound, मतलब करीब 160 रुपए के। यहाँ के भाई अपने काले चने, ये आगे अपने 5 pound के 2 packet, ठीक है, ये आगे 6 pound के 2 packet। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बड़ी तगड़ी लगी, मतलब बहुत अच्छी लगी एक चीज़, पता क्या, जितनी वैरायटी यहाँ पे अचारों की है ना, मैंने कभी इंडिया में भी नहीं इतने अचारों की कभी वैरायटी देखी थी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये चेक करो एक बार, ये आगे तक अचार 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 ही है भाई, यहाँ पे भी अचार है थोड़े बहुत, यहाँ पे ये पूरा अचार का सेक्शन है भाई, पूरा अचार तक, आगे तक अचार ही अचार है। ये प्राइस भी देख लो, ऐसे मतलब ब्रांड पे डिपेंड करता है, यहाँ पे एक ब्रांड है शान करके, ठीक है, वो थोड़ा सा अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए, 1 pound का 1 kilo मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम कहाँ गया, हाँ ये है ना, ये 1 pound का 1 kilo ये अचार है, मिक्स अचार है, काफ़ी सही, मैंने खुद ये लिया, अच्छा है। ये ढोकला हो गया 3.5 pound का 1 kilo, ठीक है, और ये राइस इडली मतलब ये भी 3.5 pound की है, ये 1 kilo है। ये भाई राइस डोसा भी है, ये ऑलमोस्ट 1.5 pound का ही है भाई। चावल काटा भी मिलता है यहाँ पे, जो चावल काटा खाता हो यहाँ से ले सकता है, ये है 3.5 pound का ही है भाई। मक्की काटा भी मिलता है, कॉर्न फ्लावर भी मिलता है यहाँ पे, 1 pound 75 pence का है, ठीक है। ये भाई बाजरा, ये ऑलमोस्ट 1 pound का ही है, ठीक है, कितना ये 250 ग्राम होगा,
हाँ इतना ही है, 250-250 ग्राम ही है, ठीक है। बट अभी पता नहीं क्या, भाई मैंने कभी खाई नहीं ना, मैंने कभी ट्राई किए। ये है 1.5 पाउंड का, ये मुझे लगा 2-3 पाउंड की है ये भी, और ये ऊपर भी है। ये इसकी है, किसका ये, क्वेशी की। ये है 4 पाउंड की है, ये मतलब 3.5 पाउंड 4 पाउंड इतने की हैं ये सब, ठीक है। और ये ऊपर वाले भी है लाइला के, ये है 2.5 पाउंड 4 पाउंड 2.5 पाउंड ऐसा। डव का जो शैम्पू है 250 ml वाला, वो ऑलमोस्ट 2 पाउंड का है, ये 2.5 पाउंड का ऑलमोस्ट। ये देखते रहो ये पैंटीन, और ये ट्रेसेमे के यहाँ पे 2.5 पाउंड का, 4.5 पाउंड का। ये HNS पता नहीं मेंथोल करके जो भी है, और ये ट्रेसेमे का ये वाला भी 2.5 पाउंड का। हेड एंड शोल्डर्स भी है 3 पाउंड का, 3 पाउंड का, ठीक है। और ये 4.5 पाउंड का ये वाला, ठीक है। और ये भी है भाई, बहुत सारा है यहाँ पे। तो इतने सारे ब्रांड तो मैंने खुद नहीं कभी सुना। हिमालय का भी यहाँ पे 2 पाउंड का, 2 पाउंड 2.5 पाउंड, ये 1.5 पाउंड का, ये 1.5 पाउंड 1.5 पाउंड 1 पाउंड जो भी है, ठीक है। ये हैंड वॉश हो गया लाइफ बॉय का, 1 पाउंड के 2 है ये, ठीक है। मतलब इंडिया से सस्ता है थोड़ा। वैसलीन भी मिल जाती है यहाँ पे, ये है 1 पाउंड की ये, ठीक है। लाइव बॉय सोप भी मिल जाता है भाई यहाँ पे, और अपना सिंथोल भी मिल जाता है यहाँ पे। ये है 2 पाउंड 20 पेंस का, ये 1.5 पाउंड का, 1.5 पाउंड ऐसा। श्योर पता नहीं क्या है ये ब्रांड, मैंने पहली बार देखा ये तो, लेकिन डव का तो पता है अपने को। जिलेट है यहाँ पे एक बॉटल 2.2 पाउंड 39 पेंस का, ठीक है। ये वैसलीन है ये, ठीक है, 2.2 पाउंड 20 पेंस का। और ये हेयर कलर जो होता है अपना, ये भी गोदरेज का, 69 पेंस का। पैराशूट का कोकोनट ऑयल मिल जाता है, ये है 1.69 पेंस का। 500 ml का है ये, सिर्फ 4 पाउंड का। ये पतंजलि ऑयल भी मिल जाता है यहाँ पर, 2.5 पाउंड का ही ऑलमोस्ट, ठीक है भाई। यहाँ पे 50-50 बिस्किट भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 बिस्किट्स हैं 1.20 पेंस के। और ये अपने रस भी मिल जाते हैं, एक पैकेट है 99 पेंस, मतलब 100 रुपये का एक पैकेट है, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान में रखना कि जो घी है ना, यहाँ से आकर लेना घी, यहाँ पे थोड़ा सस्ता और अच्छा मिल जाता है। मैं कहना ये भी बहुत ज़्यादा खाए हैं, ये तो 4 हैं और 1 पाउंड 20 पेंस के हैं, ठीक है। ये सारा मतलब मिक्सचर वगैरह यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। लाइक ये पता नहीं कौन सा ही है भाई, इतने सारे तो मैंने इंडिया में नहीं खाए कभी। ये आलू भुजिया भी होगा यहाँ पे शायद, यहाँ पे हल्दीराम का सेक्शन नहीं है। पापड़ भी मिल जाते हैं यहाँ पे 100 पेन, मतलब 99, 1 पाउंड का ये है, ठीक है। ये जो हम 10-10, 20-20 रुपए के ऐसे छोटे छोटे पैकेट ले लेते थे, यहाँ पे देखो 1.5 पाउंड 1.5 पाउंड 1.5 पाउंड इतने इतने महंगे यहाँ पे, मतलब 150-150 रुपए के ही इतने, एक पीस। अगर दूध लेना हो तो दूध भी यहाँ पे काफ़ी सस्ता है इफ़ कम्पेयर टू इंडिया। ये दूध है 2 पाउंड का, 3 लीटर दूध है, ठीक है। सस्ता पड़ता है, अच्छा ही है, मैं खुद ये पीता हूँ। ये दही वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ये मतलब 1 पाउंड 89 पेंस के, ये आधा किलो 1 किलो है ये दही। भाई अगर आपको समोसे वगैरह खाने तो वो भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ये 20 पीसेज हैं यहाँ पे, ये 5 पाउंड के हैं। और ये इसमें 50 पीसेज है इसमें, और ये 10.5 पाउंड का, ठीक है। स्प्रिंग रोल्स तक मिल जाते हैं यहाँ पे, इसका रेट लिखा नहीं है बट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने हॉट एंड स्पाइसी है, ये फ्रेंच फ्राइज है ये, तो ये भी 5 पाउंड के। और ये छोटे वाले फ्रेंच फ्राइज होते हैं, ठीक है। तो ये समोसा है भाई, पता नहीं क्या, देख लो आप, 6 पाउंड के, ठीक है। ब्रेड भी मिल जाती है यहाँ पे 5.5 पाउंड की, कुछ और ब्रेड है, ये क्रंची ब्रेड पता नहीं क्या। चीनी ढूंढो ना कहाँ है। ये केसर रसमलाई है 4 पाउंड की। अरे भाई काजू कतली, हल्दीराम की काजू कतली भाई यहाँ पे कितने की है, रेट में लिखा है इसमें तो। हाँ काजू कतली मिल जाती है यहाँ पे, ले रहे हो सामान, लो लो। ये बटर मैं खुद यहाँ से लेके गया था, 1 किलो का बटर है, कहाँ गया। हाँ ये 1 किलो का बटर है। अरे मैं 1 पाउंड का लेके गया हूँ, ये यहाँ पे 2 पाउंड का कब हो गया। ये देख लो, ये 1 किलो बटर है, 2 पाउंड का, ये अच्छा बटर है, मैंने खुद यूज़ किया ये वाला। क्लोव बटर भी है यहाँ पे, तो ये 2.5 पाउंड का ऑलमोस्ट, ठीक है। स्प्रेड वगैरह भी मिल जाती है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, तो गार्लिक भी मिल जाता है, ये है करीब 1 पाउंड 20 पेंस का है, ठीक है। तो आपको अलग से पील नहीं करना पड़ता इसको, तो ऑलरेडी पील जाती है। पर कसम से समोसे की वैरायटी इतनी ज़्यादा है ना, मैं देख देख के थक गया हूँ। यहाँ पे चीज़ भी काफ़ी सस्ता है यहाँ पे, दुकानों का मिल जाता है यहाँ पे सामान। ये आलू भुजी हो गया, ये भी अपना मिक्स हो गया, मिक्सर हो गया ना, नफरतन मिक्सर, ये कितने का, ये 89 पेंस का, ये भी 89 पेंस, ये भी ये तो 1 buy 1 get 1 फ्री चल रहा है इस पर। ये वाघ बकरी चाय भाई इंडिया में तो काफ़ी चलता है वैसे, 1 किलो है, ये कितने का, ये मतलब चाय भी मिल जाती है। ये वाघ बकरी की चाय 7.5 पाउंड की, ठीक है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो
यहाँ पर ना दो से तीन टाइप के एग्स होते हैं, कुछ ब्राउन एग्स होते हैं ठीक है, और छोटे ब्राउन एग, बड़े ब्राउन एग, फिर आगे वाइट एग, छोटे छोटे एग, छोटे वाइट एग, मीडियम वाइट एग, ऐसा लार्ज साइज, इनमें तीन साइज होते हैं इसमें भी। तो ये आप देख लो, जैसे कि जो लार्ज ब्राउन एग है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, और जो मीडियम वाला है उसका थोड़ा और ज़्यादा है, और जो मतलब जितने पीसेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा है, मतलब ये रेट देख लो, ऐसा ऐसा इनका एग्स का प्राइस है। गार्लिक भी मिल जाता है यहाँ पे, ऐसे अलग से मिल लेना हो तो वो भी मिल जाता है। आलू भी मिल जाते हैं आपको करीब 1.5 पाउंड के 2 किलो, और एक कैप्सिकम मिल जाते हैं 2 पाउंड का, ये एक पैकेट है, ये 1.5 पाउंड की ये एक है, अगर आप 4 लेते हो तो 3.5 पाउंड का। यहाँ को एक तरबूज का प्राइस पड़ता है 2.5 पाउंड ऑलमोस्ट। यहाँ पे अदरक मिल जाएगी करीब कितने के, ये जिंजर नॉर्मल 2 पाउंड के, ये नारियल भी यहाँ पे 1.5 पाउंड के, ये बीट रूट पैकेट यहाँ पे 1 पाउंड का, और ऑरेंज बिग बैग पैक ये आ गया 1 पाउंड का। इसमें पूरी पूरी सब्जियों की मार्केट है, यहाँ पर सब्जी मिलती है बहुत सारी। ये एप्पल का प्राइस है, ये यहाँ पर अलग ही है, बट ये है 1 पाउंड के। ये टमाटर भी ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड के हैं, ये 1.25 पेंस का ये एक है। ये है लेमन 1.35 पेंस का, और ये बड़े वाले लेमन है तो ये 89 पेंस के ये सस्ते हैं उससे। जो अपनी कॉलीफ्लावर आ गई, ये आ गई 1.25 पेंस की है। ये बनाना 1 किलो बनाना यहाँ पे 1.29 पेंस का, ये 1 पाउंड के ये 2 मैंगो मिलते हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे फ्रूट्स की वैरायटी यहाँ पे, नो डाउट ऑलमोस्ट हर एक टाइप का आपको यहाँ पे फ्रूट मिल जाएगा, एवोकाडो से लेके ऑरेंज, एप्पल, बनाना सब मिल जाएगा। सब करेले वो भी मिल जाएंगे, 3 पाउंड का 1 किलो है, ये पता नहीं क्या भाई, मेरे को भी नहीं पता भाई। ये धनिया पुदीना हम तो फ्री में उठा लेते थे यहाँ पे, ये एक पीसीस के हिसाब से भाई इतना महंगे पड़ रही है। ये तो हमको फ्री में मिलते हैं, धनिया पुदीना मिर्च फ्री में। ये है अपना 59 पेंस का, ये 60 रुपए की आंटी है, ये फ्री में देते थे हमको फ्री में। और क्या फ्री में, और क्या मिर्ची भी मिल जाती थी फ्री में, धनिया मिल जाता फ्री में। तो कड़ी पत्ता भाई साहब, ये तो हम ऐसे किसी के पेट से निकाले थे, 150 रुपए का ये, ये 1.5 पाउंड के। खीरे भी मिल जाते हैं आप भाई, मिर्ची वगैरह सब मिल जाता है। ये क्यों, कौन से प्याज है ये पता नहीं क्या भाई। ये कद्दू है, ये भी 5 पाउंड का ये एक। ये मारियो का ये वाला मैंने कितने ज़्यादा खाए हैं, ये 1.20 पेंस का, 1 पाउंड का ये एक पैकेट। फूड कलरिंग भी मिल जाती है यहाँ पर, ऐसे पेंस के हिसाब से, पाउंड के हिसाब से नहीं, सस्ता है ये थोड़ा। ये टाटा की चाय है, ये 4 पाउंड 10 पेंस की ये वाली, टाटा गोल्ड भी है यहाँ पे ठीक है, ये प्रीमियम है, ये गोल्ड है। क्या नहीं मिला, चीनी नहीं मिली, चीनी नहीं मिली आपको, कोई नहीं मिल जाएगी। तो भाई खीर भी है यहाँ पे, खीर मिक्स है ये 1 पाउंड की ये ठीक है भाई। ताज ये तो बहुत फेमस है, हर घर में होती है, तो ये 4.5 पाउंड की 1/2 किलो भाई, बहुत महंगी है। अगर आप चाय लवर हो ना भाई, चाय पत्ती खुल के लाना, काफ़ी ज़्यादा लाना चाय। ये आ गया खाखरा, ये 2 हैं 2 पाउंड के, ये 1.5 पाउंड के 2 हैं, ले लूँ चलो। ये कौन से बिस्किट हैं, चलो जो भी हैं ये 1 पाउंड 10 पेंस के, शायद ये गुजराती डिश हो गया गैस। रियल कोकोनट मिल्क पाउडर भाई, मैगी का मैं तो इंडिया में भी नहीं देखा कभी, लेकिन ये 4 पाउंड का देख लो आप। कोकोनट मिल्क भी है, मिल्क पाउडर है ये 4.5 पाउंड का, नाइस। क्या कि बहुत ज़्यादा फेमस चटनी भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने की है। ये आ गया हमारी चिंग्स चाइनीज़, जो हमारी चटनी है बहुत फेमस, 2 पाउंड की है ये 2.10 पेंस की है। ग्रीन चिली वाली है ये विनीगर है, ये रेड चिली 1.5 पाउंड का, ये सब चिंग्स की बड़ी वाली है ये 4.5 पाउंड की। सिनेमन पाउडर 2.5 पाउंड, ये मसाले वगैरह यहाँ पे आ गए। ये ब्लैक पेपर 4.5 पाउंड का, इतना सादा किलो है, 300 ग्राम है ये। ये एवरेस्ट का 8.5 पाउंड की, और ये हल्दी है 2.5 पाउंड की ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पे टाटा के मसाले भी मिल जाते हैं 1.5 पाउंड के सारे ऑलमोस्ट, इतने के बीच में ही है। रामदेव के मसाले मिलते हैं यहाँ पे 1.5 पाउंड के, यहाँ पे सारे सारे मसाले मिलते हैं। हाँ कस्टर्ड खाऊंगा, मैं मना कर रहा हूँ कभी, अभी मैं ढूंढ के देता हूँ। सबसे पहले यहाँ की अपनी भेल, ये 200 ग्राम है 1.5 पाउंड की ठीक है। ये अपना पोहा ही बोल, मैं तो इसको पोहा ही बोलता हूँ, हाँ पोहा ही लिखा है इधर भी। यहाँ का 2.5 पाउंड का पोहा, 800 ग्राम पोहा 2.5 पाउंड के। ये एवरेस्ट के मसाले हैं,
ये 1.5 pound के अंदर ही है, सारे 1.5 pound के अंदर ही होते हैं। कुछ होंगे जो हाँ जैसे ये है, ये 2.5 pound के। लेकिन जहाँ तक मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता दूँ, फैल्कन का अगर आप कुछ भी लेते हो ना तो आपको डिस्काउंट पे ही मिलेगा। फैल्कन ही काफ़ी बड़ा ब्रांड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम चीज़ें इनकी जो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं वो थोड़ी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे सारे ब्रांड्स। देख लो जितने फैल्कन है ना यहाँ पे, सब पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट या सस्ता में ही मिल रहा होगा। 2 for 1.5 pound हाँ, धूप बत्ती भी मिल जाती है, सब मिल जाता है यहाँ पे। टेंशन मतलब एक घर से लाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक मिल जाते हैं यहाँ पे। 3.5 pound की बड़ी वाली, 99 pence की छोटी वाली। बादाम तक मिल जाते हैं यहाँ पे, 650 gram बादाम है 5 pound की। ये अपनी मूंग दाल आ गई, 2 kilo है, 4.5 pound की, मतलब ऑलमोस्ट 5 pound की होगी। तो ये चपाती भी यहाँ पे ग्राम के हिसाब से मिलते हैं, 2.20 pound की है। ठीक है, यहाँ पे भाई पराठे मिल जाते हैं 3.5 to 4 pound के हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ना ग्राम के हिसाब से और पीसेज के हिसाब से मिल जाती है। जैसे कि जो फ्रूट्स होंगे ना वो पीसेज के हिसाब से मिल जाएंगे, वेट के हिसाब से मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो पराठे वगैरह है वो भी वेट के हिसाब से मिल जाते हैं, पीसेस के हिसाब से भी मिल जाते हैं, लेकिन अलग से नहीं मिलते, वो पैक्ड ही मिलेंगे। ये आगे अपने भटूरे आ गए, ठीक है, ये अभी बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है इसके ऊपर। तो पराठे आ गए, प्लेन पराठे आ गए, ये 20 प्लेन पराठे हैं इसमें। हाँ भाई, पंजाबी समोसा 8 pieces है, ये कितने के काफ़ी हुए हैं। हाँ ये आ गए ना, ये आ गए 6.5 pound का। यहाँ वैसे पैक्ड सब्जियाँ भी मिल जाती है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। काफ़ी सारी सब्जी यहाँ पे पैक्ड मिल जाती है मेजॉरिटी। यहाँ पे एवरेस्ट कैस्टर मिल जाती है, 2 pound के आसपास ही होगी सारी। गुलाब जामुन यहाँ पे 4 pound के 6 pieces है भाई, 400 rupees के 6 gulab jamun के पीसेज है भाई साहब। मतलब यहाँ पे ना जो मोस्ट फेमस जो होते हैं ना ब्रांड्स इंडिया के, उनके जो भी प्रोडक्ट आते हैं ना यहाँ पे, वो काफ़ी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आओ ना, तो कहीं से पता करके आओ, यहाँ किसी से पूछ लो कि यहाँ पे सामान कब कब आता है, नहीं तो जैसे सामान आएगा वैसे निकल जाएगा। ये है टोटल 24 है ये, और ये 5 pound की, मतलब 500 rupees की भाई 24 can, इतने सस्ते हैं यार। ये डाइट पेप्सी के 12 pieces 3 pound के हैं। ये वगैरह जो दिए मिल जाते हैं यहाँ पे, ये है 1.5 pound के, ये मस्त है, अच्छा है। एक कोरियन नूडल्स भी है यहाँ पे, तो नो कोरियन है चाइनीज जो भी है देख लो। ये पतंजलि का आमले का अचार है 1.5 pound का, ये चिन्नी भी मिल जाती है माता की, ऐसा बहुत अच्छी है। नॉर्मल वाले दिए भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ऐसे 1 pound के सारे हैं, 5 आएंगे 6। यहाँ पे सिम्स भी मिल जाते हैं, आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आप लाइक फैल्कन में अगर आप आटा लेने के लिए आते हो ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप किसी और ब्रांड का मत ही लो। यहाँ पे एक सबसे सस्ता ब्रांड है फैल्कन ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे उसके आटे बहुत सस्ते हैं। आपको एक बार उनका रेट दिखाता हूँ। एक बार तो फैल्कन का जो रेट है ना, मतलब फैल्कन के जो जितने भी रेट है, आप उनको ना सभी के सभी किसी और ब्रांड के साथ मैच करके देखना, कंपेयर करके देखना। मैं कह रहा हूँ फैल्कन बहुत सस्ता है और अच्छी क्वालिटी भी देता है, नो डाउट। मैं खुद उसका भाई पराठे बनाए मैंने परसों उसके, बहुत अच्छे। ये फैल्कन ब्रांड के सारा, ठीक है, फैल्कन के राइस भी हैं यहाँ पे। ये है मतलब 2 kilo राइस है, 3.5 pound के, अच्छे हैं, बहुत सस्ते। और ये देखो, ये है 1.5 pound का, 1.5 kilo चपाती का, मतलब फैल्कन का आटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ता है ये। अगर मैं आपको बाकी सब ब्रांड्स के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा ना, तो आप हैरान हो जाओगे कितने महंगे यहाँ पे बाकी सब ब्रांड्स के आटा। यहाँ पे ऑयल भी सब है यहाँ पे भाई, इसका भी है ऑयल, इसका भी है, ये वाला भी है मस्टर्ड ऑयल। जो मेजॉरिटी है वो तो नॉर्थ वाले तो ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो मेजॉरिटी लोग ना अपना ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, बट मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ करता हूँ और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ भाई। इंडिया में तो मोगो 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 करके था कुछ, ये क्या है, ये चोजू चोजू क्या है ये चोजू भैया हमने इंडिया में मोगू पिया ना, यहाँ पे चोजू मिलता है यहाँ पे। पैक्ड फूड आइटम्स भी मिल जाते हैं, लाइक जैसे कि जो बॉक्स में होता है ना, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, एक एक साल की जिसकी होती है, दो दो साल की भी होती है किसी किसी की, उसमें आपको चपाती मिल जाती है, दालें मिल जाती है, सब्जियाँ मिल जाती है बनी बनाई, बस आपको उसको फ्राई करना है या बॉईल करना है जो भी है उसका, उसमें आप देख लेना है कैसे उसको रेडी करना है, तो आप वैसे करके उसको बना सकते हो, तो वो सब भी मिल जाता है। 12 AG तक मिल जाता है भाई यहाँ पे, तो कितने का ये 10 pieces फॉर ऑलमोस्ट 2 pound के, ये 12 pound में मिल जाता है 2 pound का। ये ब्रिटानी का भी मिल जाता है यहाँ पे, ये है एक पैकेट है यहाँ पे 1.5 pound का, 1 pound 25 pence का। अब चोजो तो मिल गया था, उसका भाई नहीं मिल रहा था बड़े टाइम से, उसका नाम था मोगो। रुको मैं आपको मोगो से मिलाता हूँ। हमारे मोगो भाई भी मिल गए, ठीक है, ये है 1 pound का भाई, एक है ये एक भाई साहब। भैया चोजो का भाई मोगो मिल गया, 1 pound का एक है
इंडिया में जब भी किसी को गैस होती थी यहाँ कुछ भी होता था इनो विनो बात की बात है भाई लिमका भाई लिमका भी मिल जाती है यहाँ पे एक एक पाउंड 10 पेंस की एक बॉटल है अगर आपको 2 लीटर वाली चाहिए 2.5 लीटर वाली भाई यहाँ पे उससे बड़ी वाली भी है 2.25 लीटर की जो भी देख लो यहाँ जितने की भी है या आपके ऑलमोस्ट 3 पाउंड की है एक बॉटल निकालो फिर साहब अगर गैस हो जाए भाई इनो शिनो नहीं मिलती यहाँ पे लिमका अब आपको मैंने फैल्कन की एक साइड तो दिखा दी जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिलता है अब मैं आपको दूसरी साइड लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको यूटेंसिल्स या फिर जो भी डिजिटल सामान होता है थोड़ा बहुत वो भी यहाँ से मिल जाता है क्या होगा दीदी चले दीदी पैकिंग कर रहे हैं कोई नहीं मसर की दाल क्या होगी अच्छी नहीं लगी उनको अच्छी लगी क्या दाल उनको अच्छी लगती है मैं क्या इतना मेरे पे टाइम नहीं है सामान तो उन्होंने कर दिया भाई पैक मैंने किया वैसे इन्होंने क्या किया पैक करना चलो वहाँ पर चलते जल्दी यार मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ जब भी आप ग्रोसरी स्टोर जाओ तो अपने थैले भाई अपने साथ लेके जाना क्योंकि थैले बहुत महंगे पड़ेंगे आपको 2-2 पाउंड के थैले हैं भाई 30 पेंस के थैले प्लास्टिक वाले और जूट वाला ले लिया ना 2 पाउंड का थैला है जो 2 पाउंड में ना 8.5 महंगी आती है यहाँ पे मैं सही बता रहा हूँ बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे थैले ये प्रो टिप आपको दे दी है तो मेक श्योर इंडिया से ही थैले लेके आना ठीक है ये आ गया भाई यहाँ पे आपको सब मिलेगा यहाँ पे झाड़ू से लेके भाई टिफिन और बर्तन वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे प्राइस भी देख लो सॉरी ये बहुत काम की चीज़ है 3.5 पाउंड का यहाँ पे ये सारे सारे कांच के सामान मिल जाएंगे गिलास मिलेंगे एक एक, एक डॉलर के और सॉरी 1-1 पाउंड के ये 1.5 पाउंड की प्लेट है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे शीशे का सामान है सारा ये टिफिन मिल जाएंगे आपको ठीक है शीशे वाले टिफिन भी हैं यहाँ पे और कप्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको 26 पाउंड 26.5 पाउंड का ये पूरा सेट है ठीक है ये 13 पाउंड का सेट है ऐसा कुकर भी मिल जाता है बट कुकर थोड़ा ज़्यादा महंगा देख लो 3,500 रुपये का कुकर है मैं भाई इंडिया से लेके आया हूँ बहुत सस्ता कढ़ाई भी मिल जाएगी आपको छोटी बड़ी और सबसे बड़ी भी मिल जाएगी ठीक है यहाँ पे आपको सारे बर्तन वगैरह मिल जाएंगे ठीक है प्राइस भी एवरेज है बहुत ज़्यादा नहीं है बट ये थोड़े महंगे हैं भाई 8.5 पाउंड का ये इंडिया में काफ़ी सस्ता मिल जाता है ये अभी फिलहाल के लिए तो मेरे को ये चाहिए भाई दूध गर्म करने वाला ये है भाई 4.5 पाउंड 450 रुपये का ये इतना सारा गिलास भी मिल जाते हैं आपको 1 गिलास 1.5 पाउंड के हैं 5 गिलास लोगे तो 5.5 पाउंड के बल्ब वगैरह मिल जाते हैं ये सब मिल जाएगा यहाँ पे प्राइस देख लो इनका ठीक है तो ये चॉपर भाई ये इंडिया से लेकर आना मैं इंडिया से ही लेकर आया हूँ बहुत सस्ता वहाँ पे ये बहुत महंगा है वहाँ पे ये 200 रुपये का भाई वही तो सस्ता है यहाँ पे ये तो सस्ता है यहाँ पे चुपचाप करके ये आटा गूंदने वाला है 100 रुपए का बट ये मेरे को ठीक लगा बट यहाँ के प्लास्टिक भाई प्लास्टिक की चीजें भी महंगी है यहाँ पर मैं पहले बता दू 150-150 रुपए के 1-1 2-2 कंटेनर मिलेंगे बहुत महंगे है इससे अच्छा इंडिया से लेकर आओके ये देख लो 4,000 पाउंड का ये एक इसके बीच में एक या दो और होंगे बट ये 4 पाउंड का भाई 400 रुपये का इतना सा यहाँ पे वाले बर्तन भी है ये है भाई स्पेशल ऑफर लगा के भी मतलब ये करीब करीब 22 पाउंड का ये भाई ये देख लो नमकदानी यहाँ पे 8 पाउंड की है ठीक है इंडिया से नमकदानी लेकर आया था पता कितने की 80 रुपये की यहाँ पे 8 पाउंड की भाई ये सब मिक्सी वगैरह मिल जाती है यहाँ पे ठीक है प्राइस देख लो भाई साहब 100 पाउंड यहाँ पे ये सब माता की मूर्ति भी मिल जाती है जो मेरी पहली सैलरी आएगी ना मैं उससे माता की मूर्ति लूँगा और अच्छा सा एक छोटा सा एक टेंपल बनाऊँगा अपने रूम में भाई मेरे को छोड़ के चले गए सारे कोई नहीं वो दिन सारे सारे वहाँ खड़े मेरे को छोड़ के अकेले क्या हो गया अब एक्सचेंज करना है क्या एक्सचेंज कर रहे हो करो करो पैक करो अच्छा कर दिया ना ये तो मैंने किया था ये सारा सामान लिया कितने पाउंड का 100-120 पाउंड का होगा ये सारा सामान कैब तो आगे सामान डालते हैं उसमें वेरी नाइस शाबाश अच्छा दो पकड़ लो चलो शाबाश उठाओ शाबाश दीदी शाबाश उठ ही नहीं रहा चलो जी सामान तो हो गया पैक मैं तो थोड़ी देर बाद ही घर आ गया था बट मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसका आउटरो शूट करना ही भूल गया तो मैं अब रात के 12 बजे आउटरो शूट कर रहा हूँ जब मेरे को एडिट करने का टाइम आता है कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट होगा तो मेरे को वीडियो अभी एडिट भी करना है
अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट। एंड कोई भी सजेशन हो, एनीथिंग, कुछ भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहो तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊँ। ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।